ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जय माता दी दोस्तों, जय शिव शंकर। दोस्तों, आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहता है यह एक इंसान। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे उस इंसान के बारे में जो आपको धोखा दे रहा है, ऐसे उस इंसान के बारे में जो नहीं चाहता है कि आप जीवन में सफल हों। और दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है, आपके जीवन से ये खिलवाड़ करना चाहता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं जिसके द्वारा अगर आप इस इंसान को पहचानना चाहते हैं तो आप पहचान सकते हैं और आपके पैरों तले ज़मीन पूरी तरह से खसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कुछ इस प्रकार कर चुका है कि आपको वह अपना मित्र ही लगता है, लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो छिपा लिया जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रखिएगा जो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हैं। हमने इस वीडियो का निर्माण इसीलिए किया है ताकि वे इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने से पीछे हट जाए और आप उससे पहले ही सतर्क हो जाएं। इतनी जल्दी हो सके आप उनकी पहचान कर लीजिए। ऐसे अंधेरे में रहेंगे तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आपको पूरी तरह से वो बर्बाद कर छोड़ देंगे। अगर आप बर्बाद हुए तो आपके जीने का जरिया ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वह व्यक्ति कौन है, कैसा है और आपको क्यों बर्बाद करना चाह रहा है और वो किस कदर आपको बर्बाद करना चाहता है? दोस्तों, ये महिला या फिर पुरुष कोई भी हो सकता है। आपको बता दे कि दुश्मनों का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। किसी भी प्रकार से वो आपके आसमान को छूती हुई ऊंचाइयों को ज़मीन पर लाकर फेंकना चाहते हैं। वे आपकी सफलता को नहीं देखना चाहते, वो आपकी सफलता के बीच के कांटा बनना चाहते हैं। अगर आपके सफल होने पर आ गए, आप अपने रास्ते पर दृढ़ निश्चय हो गए और दोस्तों, आपने अपनी जीवन की सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर ली है, फिर देखिएगा कि दुश्मनों का षड्यंत्र पूरा खराब हो जाएगा और इसी षड्यंत्र के द्वारा आपको सफल होने से रोकते हैं। आपको बता दें कि ये तो है बाहर की बात। दोस्तों, बाहर के दुश्मनों से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के ही बेदी लंका ढा रहे हों तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं? वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, तो दोस्तों, आप कैसे करेंगे उनका सामना? दोस्तों, परिवार में एक दो दुश्मन होना बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन दोस्तों, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत लोगों का एक दूसरे से बनती ही नहीं है, कुछ ना कुछ अटपट चलती रहती है और वैसे ही आपके साथ में भी हो रहा है। और अभी तो ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं, यूँ कहें तो पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। लोग आपको जीने ही नहीं दे रहे हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वे इस चीज़ पर भी नज़र रखने लगे हैं। और आपने तो ये महसूस भी किया होगा कि आपके साथ ये क्या चल रहा है, आप लोगों के दुख का मुख्य वजह क्या हो सकती है। ऐसा क्यों है कि आपकी सभी 12 राशियों में से आपकी सिर्फ एक ऐसी राशि है जिसे सबसे अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये आपके घर के दुश्मन हैं या फिर बाहर के, जिनकी वजह से आपके जीवन में ऐसी बाधाएं आ रही हैं और आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और आपको कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उसी तेज़ी से आप नीचे गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों के कारण आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिसका कारण आपको नहीं पता। दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो का निर्माण आपकी भलाई के लिए किया गया है। बस आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगाइएगा ताकि माँ का सीधा आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, जितनी भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वे सभी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएं। आप प्रतिदिन अपने घर में धूप बत्ती दें और प्रत्येक शुभ माह को गंगा जल से शिवलिंग को अभिषेक करें, आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। और दोस्तों, माता रानी के चरणों पर आपको लाल रंग के फूल जरूर समर्पित करने हैं और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के जय महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपके कर्म भाव के देवता भगवान स्वयं भोलेनाथ हैं और शनि देव और महाबली हनुमान जी हैं और इसी वजह से आपके लिए शुभ दिन है सोमवार, मंगलवार और शनिवार। अगर आप इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है और काफ़ी शुभ रहेगा।
आपको बता दें कि आपके पास में बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को शो नहीं करते हैं, ना ही लोगों को जलाते हैं। उतना लोग आपको देखकर ही डलते हैं, आपको जलाने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, इसीलिए जो आप अच्छे काम करते हैं वो लोग आपके स्वभाव को पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी थाली में खाना है और यदि कोई भूखा आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो आप उसे अपनी थाली दे देते हैं। ये नेचर आपका ये दर्शाता है कि आपका स्वभाव बहुत ही विनम्र है और ये आपको अच्छा भी लगता है। व्यवहार अच्छा होता है, आप बुद्धिमान भी हैं। और यदि आप अपने जीवन में दुख भी रहते हैं तो आपका अपने दुखी का कारण आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके दुख को सुन करके कोई और दुखी हो जाए। जो भी आपके घर में तकलीफें हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उसे आप खुद ही सुलझा लेते हैं। हम तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो जल रहा है उसे जलने दीजिए और जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही परिणाम स्वयं माता रानी देंगी और उसे इसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा और यही उसका स्वभाव होगा। दोस्तों, जो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए, ईश्वर सब देख रहे हैं। जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि आपके असली दुश्मन तो आपके परिवार में से कोई मित्र जन है। संख्या तो बहुत है, अनगिनत है, लेकिन साजिश करने के लिए एक ही ऐसा आदमी है जो दूसरों को भड़का रहा है आपके खिलाफ कि आपके साथ में ऐसा करो वैसा करो, तो लोग उनके भड़कावे में आ भी जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी के ऐसा करने पर आप अपना स्वभाव बिल्कुल भी ना बदलें, क्योंकि दोस्तों, उनका स्तर तो नीचा गिरा हुआ है ही, लेकिन आप अपने स्तर को उनके स्तर में मिला करके नीचे मत गिराइए। और दूसरों के भड़कावे में आ करके आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है और ना ही अपनी सोच बदलिए, क्योंकि देवता आपके साथ हैं। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा जब तक आप अच्छे कर्म करते हैं। अगर खुश होते हैं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही जाए, लेकिन आपको ऐसा उनके साथ में नहीं करना है, नहीं तो आपके देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति ही है जो आपके साथ में रहकर आपकी वाहवाही करता है, लेकिन आपके किसी जगह से चले जाने के बाद में वह उसी जगह पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो आपके मुंह पर तो अच्छा भला बोलते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ना दे करके आपको और भी डीमोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हैं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपने आचरण को दूसरों के मुताबिक कभी मत बदलिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर दो बार ज़रूर लिखिएगा।